को पता है कि जीसस आने वाला है। अभी ये अभी दो तीन दिन बाद ही है, बजट सेशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे जो जाति एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी पे क्यों होती है, देश के अंदर जितने बड़े बड़े दंगे हुए हैं उसमें सिख मरे, उसमें मुस्लिम मरे, उसमें ईसाई मरे या फिर दलित मरे, ये दंगे इन्हीं लोगों के साथ क्यों होते हैं? मुझे लगता है इस पे भी रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा सारे मूलनिवासी है, सबका खून एक है और मनुस्मृति को लागू करने वाले लोग धीरे धीरे मनुस्मृति लागू कर रहे हैं। वो संसद पे भारतीय संविधान को भी जलाते हैं बोले आप, और फिर ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। आज एक चीज सबको समझ लेनी चाहिए कि कोई एमपी हो या एमएलए हो, मंत्री हो या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संघर्ष से हमें रिजर्वेशन ना मिला होता तो हमें गांव के प्रधान को ही नहीं बनाता। ये कड़वा सच है, सब इस बात को समझ ले। और ऐसे अपने नेताओं की गर्दन पकड़ने का समय आ गया है जो समाज के दुख दर्द को, समाज के मुद्दों को संसद के अंदर विधानसभाओं के अंदर उठाते नहीं है। जीत के जा रहे ऐसी कोर्ट से, ऐसी कोटे से, उनका काम है समाज को रिप्रेजेंट करना, समाज के दुख दर्द को, समाज के मुद्दों को संसद में विधानसभाओं में उठाना। लेकिन वहां वो जो अभी डॉक्टर रतनलाल बोल रहे थे वो सिर्फ हाथ उठा देते हैं, विचार तक नहीं करते। इतना बड़ा धोखा समाज के साथ हो रहा है, चाहे वो 10% रिजर्वेशन का मसला हो। हमारे ओबीसी कमीशन के चेयरमैन भी आ गए दीदी के, आप भी आइए, स्वागत है। तो ये चाहे वो 10% रिजर्वेशन का मुद्दा हो और चाहे ये रोस्टर जो पोस्ट पे रोस्टर का, मतलब सीधा सबका अर्थ एक ही निकलता है, एससी एसटी ओबीसी के लोग तरक्की ना कर जाएं, ये लोग आज काम के बदले में पैसे क्यों मांगने लगे हैं, इनके पास कौन सी ताकत आ गई है? वो ताकत उनके समझ आ गई, ये ताकत एजुकेशन के रास्ते से आई है और ये ताकत रिजर्वेशन से जो छोटी मोटी नौकरियां मिली उसकी वजह से आई है। इसीलिए वो ताकत को कमजोर करने के लिए उन्होंने कई सारे प्रपंच रचे हैं, ये भी उनमें से एक प्रपंच है। दुख की बात ये प्रपंच रचने वाले ऐसे लोग हैं जिनको बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बना देते हैं, कोई एग्जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, जिसको जो पसंद हो उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस बना देते हैं। और वो जजेस वहां न्याय के लिए जाते हैं लेकिन न्याय के बदले अन्याय करते हैं, और वो सिर्फ क्योंकि कोर्ट का क्या कंटेंट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, इसलिए उसके खिलाफ कोई बोलेगा भी नहीं। मुझे लगता है बोलना पड़ेगा, न्याय की लड़ाई में इस बात का झंडा छोड़ना पड़ेगा। जेल में चले जाए, अरे जेल में तो जाने का डर बिल्कुल त्याग दो, अगर हम आज डरेंगे तो लड़ेंगे कैसे? आने वाली हमारी संतान है हमें याद कर करके कोसेंगी हमारे नाम को लेके, वो कहेंगे कि ये उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, ये उस वक्त राज्यसभा या लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, इनकी आंखों के सामने सब कुछ छिन गया, क्या किया इन्होंने। तो मुझे लगता है आज समय आ गया है कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ये जो मैं इसको पूरा मंच, मेरे पास फाइल अंदर नहीं आई, गाड़ी में रह गई, पूरा देख रहा था, एससी एसटी ओबीसी को तो कोई एक सीट भी नहीं मिलेगी, वैकेंसी तीन निकालेंगे तीनों की तीनों जन्म, क्योंकि रोस्टर में कहीं आपका उसमें नंबर है ही नहीं। तो पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में हजारों की मात्रा में जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने की कोई संभावना, वो उन्होंने जड़ से खत्म कर दी। क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते यूथ होते हैं, यूथ को बेसिकली जो प्रोफेसर होते हैं वो गाइडलाइन देते हैं, दिशा देते हैं, उसी से पूरे देश की भी दिशा तैयार होती है। तो वहां दिशा देने वाला कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का ना बचे, ये रणनीति उन्होंने तैयार की है। और यहाँ आज जो मंच पे बैठे एक से एक, मतलब इस मुद्दे का बहुत विख्यात एक से एक गुणी लोग हमारे बैठे हैं, तो मैं तो उनको सुनना चाहूंगा, दो तीन बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो न्याय की लड़ाई है ना, ये घर बैठ के नहीं लड़ी जाएगी। इस लड़ाई में आज भी हमारे मंत्री एमपी एमएलए क्यों निकल के नहीं आ रहे, वो घर में बैठे रहेंगे तो चलेगा? मुझे लगता है रोड के साथ साथ इनके सबके घेराव घरों का भी करना पड़ेगा, और बल्कि एक चीज तय कर रहे अगर सब लोग कि पूरे देश में जहां जहां अपने एमपी एमएलए रह रहे हैं, बजट सेशन में जा नहीं पाएगा कोई जब तक इस पर पता नहीं है।
तुम्हें घर से ना निकलने दिया जाए, पहले इसको अपनी अपनी जुबान बोलो तुम्हारा क्या कहना है, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अगर आप उसके फेवर में हो तो केंद्र सरकार कर रही है तो रिजाइन करो अभी, और फेवर में नहीं तो सड़क पे उतरो हमारे साथ, क्योंकि ये सब कुछ लूट जाएगा, बचेगा नहीं कुछ, पहले सब कुछ लूट चुका। ये जो पीछे अचानक ही कॉलेज प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई, सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, प्राइवेट खोलते जा रहे हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन ला पॉलिसी लाके बर्बाद कर दिया। पिछले सालों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज खुलते जा रहे हैं, लाखों रुपए फीस है एक बच्चे की, तो हमारे लोग तो नहीं दे सकते। तो क्या तरक्की सारी अब इनके हिस्से में आएगी? क्या हमारे लोगों को आगे बढ़ने का हक नहीं है? हमारे लोगों के पास इस देश में खेती की जमीन नहीं है, उद्योग धंधों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, जहां को खरबों रुपए पैदा होता है? तो ये सवाल भी करना पड़ेगा कि खेत की जमीन और प्राकृतिक संसाधन, कोयले की खान, पत्थर की खान, लोहे की खान, सभी तरह की खनिज पदार्थों की खाने, ये क्या मैं अपने माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ? लोग इसके मालिक कैसे हो सकते हैं? केवल कुछ ही लोग इसके मालिक क्यों? हम लोग इस देश के मूल निवासी, सब कुछ हमारा है, 4000 साल पहले तुमने छीना। और मेरा एक फर्म बिलीव है कि ये जो जातियां हैं, ये जातियां और ये धर्म, ये सब चलाक लोगों ने बनाई है, जिन्होंने बनाई है उन्हीं का सारे संसाधनों का कब्जा है। अब इस सारी सच को समझना पड़ेगा, इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, और मैं इस मुहिम में रात दिन 24 घंटे और तन मन धन से हर तरीके से इस लड़ाई के साथ हूँ। और ये जो 7 डिमांड है, ये तो बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, 7 की 7 लागू होनी चाहिए, 7 की 7 डिमांड में मेरा भी और मेरी पार्टी का भी पूरा इसमें समर्थन है। और हम केवल समर्थन करके जाएंगे नहीं, बल्कि निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब, रतनलाल जी, जहां भी आप कोई आंदोलन की तैयारी करें, अभी 2 दिन तो यूनिवर्सिटी में मैं आया ही था, 2 दिन नहीं जब तक चलेगा, जहां चलेगा हम लोग आपके साथ चलेंगे, जेल भी जाना पड़ेगा तो साथ जाएंगे, तो आप जाए तो मैं अपनी बात को तो